खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम लहार एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के लहार ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में कर्मचारियों के द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से सीएम को मांग की गई है कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों का सवलीन एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन वृद्धि की जाए। कर्मचारी ने मांग पत्र में उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंकल्प 2013 के विद्युत कंपनियों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारी एवं अधिकारियों के नियमितीकरण किए जाने एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के सम्मिलन का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। हम समुदायों आउटसोर्स को रेमेडियल करना चाहते हैं और समुदाय वालों को भी, और वेतन वृद्धि हो जाए हमारी। आपकी क्या क्या मांगे रखी हुई है? हमारी वेतन वृद्धि की मांग है और सम्मिलन की मांग है, और जो सरकारी वालों को सुविधाएं मिलती है वो हमको भी मिले। अनुरोध है कि हमारी मांगों का ध्यान दिया जाए और हमारी मांगे पूरी की